गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स के बारे में। कैपेसिटर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब कैपेसिटर पर बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से सीबीएसई के। तो इससे पहले हम कुछ कंसेप्ट्स को देख लें कि कैपेसिटर से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिस्कशन करना चाहूँगा, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले सपोज करो दिस इज ए कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के अंदर हम तीन चीज़ें वेरिएबल्स तीन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक तो क्यू, क्यू इज द चार्ज, सी दैट इज द कैपेसिटेंस एंड वी इज द पोटेंशियल। ठीक है, इसको मैं इनिशियल है तो मैं इन तीनों को ही नॉट लगा के शो कर देता हूँ। क्लियर। अब मैं कहूँगा कि जब मैं इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक फिल कर देता हूँ तो हमारे पास इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सिंपल ही आ जाता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बेटा सी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये फॉर्मूला तो हमें हमेशा से याद रहना चाहिए। जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वैक्यूम हो तो उस पर यह फॉर्मूला लगता है। और हमारे पास ये और है कि C को हम डिफाइन करते हैं दैट इज Q अपॉन V। हमें अभी तक ये कहा गया है C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। किससे इंडिपेंडेंट है? Q और V से इंडिपेंडेंट है। अब हम करते हैं कि जैसे ही हम इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक फिल करते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, K है। सपोज करो हमने डाइइलेक्ट्रिक फिल कर दिया इसकी प्लेट्स के बीच में, तो इसका कैपेसिटेंस हमें पता है कि वो इनिशियल कैपेसिटेंस का के टाइम्स हो जाता है जब हम इस डाइइलेक्ट्रिक को इसके अंदर फिल करते हैं। हम यहाँ पर दो कंडीशंस देखना चाह रहे हैं कि जब डाइइलेक्ट्रिक को फिल किया जाए तो हमें ये याद रखना है, मेमोराइज करना है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज टू लर्न कि यदि K वैल्यू डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड टू ए कैपेसिटर देन नया जो C आएगा दैट विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ इनिशियल C। ठीक है, नया कैपेसिटेंस जो आएगा वो K टाइम्स हो जाएगा। ये लर्न करने का है, याद रखना है इसको, क्योंकि हम इसको प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक जब भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए इसको मैं किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूँ, किसी सेल से कनेक्ट कर दूँ, तो क्या होगा? जैसे ही मैं इसको सेल से कनेक्ट करूँगा तो ये सबसे पहले इनिशियल कंडीशन ले, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इनिशियली उस टाइम में इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक नहीं था, कोई डाइइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इनके बीच में मैंने कोई डाइइलेक्ट्रिक नहीं डाल रखा है, और जैसे ही मैं वी वोल्ट की बैटरी यहाँ लगाता हूँ तो ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है और वो कितना होता है, वी नॉट होता है। तो मैं जैसे ही इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक डालूंगा तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्या Q और V पर भी फर्क पड़ेगा? हमें पता है कि जैसे ही हम किसी डाइइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस चेंज होगा तो डेफिनेटली V भी चेंज होगा और हो सकता है Q भी चेंज हो। तो हम ये दो केस देखना चाहते हैं कि किस केस में Q चेंज होगा और किस केस में पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स चेंज हो जाएगा। किस तरीके से देखें, तो सबसे पहले हम कहें कि जैसे ही मैंने ये बैटरी कनेक्टेड रखी है तो फर्स्ट केस हमारा आ जाता है बैटरी कनेक्टेड। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, जब बैटरी कनेक्टेड है तो जैसे ही मैं इसको फिल करूंगा डाइइलेक्ट्रिक से तो क्या होगा बेटा, देखिए डाइइलेक्ट्रिक से फिल करने के बाद सबसे पहला काम इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इनिशियल कैपेसिटेंस का के टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो गया।
डेफिनेटली या तो ये इंक्रीज हुआ है या ये डिक्रीज हुआ है, तभी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ। और हमें पता है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक हम किसी कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसका पोटेंशियल के टाइम्स कम हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो हम कहेंगे कि इसका पोटेंशियल क्या हो गया, के टाइम्स कम हो गया। ठीक है, लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर बैटरी कनेक्टेड है, जैसे इसका पोटेंशियल कम होगा इस बैटरी से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा और वो इन प्लेट्स पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और जैसे इन प्लेट पर पहुंचेगा इसका पोटेंशियल वापस वही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही हमने डाइइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाला पोटेंशियल कम हुआ फॉर एन इंस्टेंट, एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया। और जब तक फ्लो होता रहा, जब तक उसके बीच में पोटेंशियल जो है इस पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता, तो हम गए ये पोटेंशियल वापस। इसका मतलब पोटेंशियल जो था इनिशियली, अब जो पोटेंशियल है वो इनिशियल पोटेंशियल के इक्वल ही है, वी नॉट के इक्वल ही है। पहले पोटेंशियल कितना था, वी नॉट था, पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, डेफिनेटली चार्ज यहां से फ्लो करके यहां पर पहुंचा है। तो हम कहें कि चार्ज जो है, चार्ज वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। मैं ये साइन लगा देता हूं कितना इंक्रीज होगा, इसको अभी नहीं शो कर सकते हम। हम कह रहे हैं चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी बैटरी कनेक्टेड हो तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, सेम रहेगा, और ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीज, ये सेम, और ये भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में सेकंड केस देखते हैं। सपोज करो अभी यहां पर कुछ भी नहीं था, ठीक है, और जैसे ही हमने क्या किया, इससे बैटरी लगाई और कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज कर दी, इस पर पोटेंशियल कितना आ गया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देता हूं, सेकंड केस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ही यहां एक स्विच लगा देता हूं और जैसे ही ये चार्ज हो गया, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, इसके बीच में पोटेंशियल V नॉट आ गया, इसका कैपेसिटेंस C नॉट पहले से है और Q नॉट इस पर चार्ज आ गया, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। इसको क्या कर देता हूँ, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। और डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, K वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने K वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है तो क्या होगा बेटा, देखिए सबसे पहला काम हमें ये याद रखना है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी के टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस, ये तो याद रखना ही रखना है। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाला आपका कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो ही जाएगा। उसके बाद में देखेंगे कि वी और सी पर क्या फर्क पड़ रहा है, वी और क्यू पर क्या फर्क पड़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जो इनिशियल कैपेसिटेंस था उसके के टाइम कम हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। और क्यू, क्यू क्या रहेगा बेटा, क्यू सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है, पोटेंशियल चेंज होने से चार्जेस के थ्रू नहीं फ्लो हो पाएगा, इसलिए क्यू विल बी द सेम। इस फॉर्मूले को यदि देखें तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया है, क्यू सेम रहा, क्यू कॉन्स्टेंट रहा, और वी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो V डिक्रीज होने से C इंक्रीज हो गया, और इस केस में Q इंक्रीज होने से C इंक्रीज हुआ है। दोनों केसेस थोड़े से डिफरेंट है लेकिन कंसेप्चुअल है। इन कंसेप्ट को काम में लेते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, वापस से समझ लें एक बार। सबसे पहले हमने कहा कि इनिशियल कैपेसिटेंस C नॉट है, उस पर चार्ज Q नॉट है, और उस पर पोटेंशियल V नॉट है। जैसे ही हम बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो पहला काम उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल कम तो हो जाता है लेकिन बैटरी से चार्ज फ्लो होने से पोटेंशियल वापस वही हो जाता है। एंड द थर्ड वन, और इसी से क्या होता है, क्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है।
बैटरी डिस्कनेक्ट करके हम इसको पावर करें, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाएं, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पोटेंशियल के टाइम्स कम हो जाएगा, लेकिन अब चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डिस्कनेक्ट कर दिया है हमने, इसलिए बैटरी से नया चार्ज नहीं आएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, और कम होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों वो है, वो सेम रहेगा। तो ये कंडीशंस हमारी आ गई, क्यों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं जो CBSE बोर्ड में आ चुका है, और इस क्वेश्चन के कंसेप्ट से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं। टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एंड बी, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं इसका, जिससे क्लियर हो जाए क्या पूछना चाह रहा है। ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ए बैटरी वी, इस बैटरी वी से कनेक्टेड है, विद द स्विच एस क्लोज्ड। स्विच जो एस है दैट इज क्लोज्ड, मतलब ये कनेक्टेड है। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, ये स्विच एस जो है वो क्लोज्ड है, क्लोज करना ही पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज भी तो करना पड़ेगा। The switch is now opened and free space between the plates of the capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant K. ठीक है, क्लोज करने के बाद इसको वापस ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद इसके अंदर डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डायलैक्ट्रिक। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि पहले हमने इस की को क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद इसको चार्ज कर लिया कैपेसिटर को, ठीक है, दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, और दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, सी है, सेम कैपेसिटर है, इसका भी कैपेसिटेंस सी और इसका भी कैपेसिटेंस सी है। अब देखिए जैसे ही होगा ये कि जैसे ही इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, ये शुरुआत में क्लोज था, इसको ओपन कर दिया, तो एक तो इसकी एनर्जी हो गई, पहले जब इसको क्लोज कर रखा था हमने तब इसकी कुछ एनर्जी है, और इन दोनों के अंदर डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद जो एनर्जी है टोटल इस सिस्टम की, वो टोटल एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि एनर्जी जो है, कैपेसिटर की एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, सी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर से, और एक और फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं, हम अभी ये ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं कह देता हूं कि इनिशियल कंडीशन में क्या होगा बेटा, इनिशियल कंडीशन में टोटल यू होगा यू वन प्लस यू टू, टोटल एनर्जी जब ये क्लोज्ड है, ठीक है, की क्या है, क्लोज्ड, की क्लोज्ड, ठीक है। तो यू वन प्लस यू टू, यू वन मतलब इस यू ए कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बी, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी होगी, इसकी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, और इसकी भी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, द टोटल एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई इनिशियल कंडीशन में, जब हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा है, केवल इसको क्लोज किया है और टोटल एनर्जी निकाल ली है। यू वन इज द टोटल एनर्जी इनिशियली वेन द एस इज क्लोज एंड बोथ द कैपेसिटर आर नॉट फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। अब सेकेंड केस है
फाइनली हम क्या करें, फाइनली सेकंड केस फाइनली कह देता हूं इसको। फाइनली क्या किया हमने, एस को ओपन रखा है, की ओपन ओपन कर दिया और इसी के साथ में के वैल्यू डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। जब करेंगे तो केस क्या होगा वो समझिए। केस ये होगा बेटा, इस वाले कैपेसिटर के अंदर तो टोटल जो होगा U2 कह देता हूं, दैट विल बी इक्वल टू UA प्लस UB, लेकिन इनको डिफरेंट केस है तो कोई दिक्कत नहीं है। UA इसकी एनर्जी कितनी होगी और इसकी एनर्जी कितनी होगी, जैसे ही हम डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये तो ओपन है, दैट इज ओपन। तो जैसे इसको इंक्रीज करवाएंगे इसका जो पोटेंशियल है वो के टाइम्स कम हो जाएगा, हमें पता है इसका कैपेसिटेंस तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है लेकिन पोटेंशियल जो है वो के टाइम्स कम हो जाएगा। लेकिन कम जब होगा तो एक बात ध्यान रखने की है बेटा, कैपेसिटेंस तो हो जाएगा के टाइम्स, ठीक है, पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल का, सॉरी पोटेंशियल जो है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा और क्यू इस पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारे पास केस आ गया। इस केस में क्या होगा, इस केस में थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाएगा क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल जो है इसकी प्लेट्स के बीच में क्या रहेगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा लेकिन कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, कैपेसिटेंस इसका के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल की टर्म्स में देखें तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है उसका जो टोटल एनर्जी जो होगी इसकी तो वो कितनी हो जाएगी बेटा, फॉर्मूला है हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर। तो मैं कहूं कि वी कितना है, वी पोटेंशियल तो चेंज हुआ ही नहीं है लेकिन इसका क्या चेंज हो गया, इसका कैपेसिटेंस चेंज हो गया और वो कितना हो गया, के टाइम्स हो गया, ठीक है। पोटेंशियल कितना हो गया, के टाइम्स हो गया और साथ में ही वी स्क्वायर पोटेंशियल कितना है वो कब हो, वापस से समझिए। इसकी जो एनर्जी है बेटा, इसकी एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर से दी जाएगी लेकिन पोटेंशियल कैपेसिटेंस इसका चेंज हो गया है, के टाइम्स हो गया है लेकिन पोटेंशियल इसका सेम है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी को जैसे कनेक्ट किया तो जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक डालेंगे पोटेंशियल कम होगा लेकिन चार्ज आने से वापस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल वो का वही है लेकिन इसका पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैं इसके लिए हाफ सी कितना हो गया, के इंटू सी हो गया, के टाइम्स हो गया ना, इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया लेकिन वी भी क्या है वो भी के टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो मैं कह देता हूं वी बी स्क्वायर लाइक दिस, ओके। तो मैं इसको सॉल्व करके लिख सकता हूं बेटा, इस साइड में लिख लेता हूं। देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल एनर्जी जो आएगी U2 वो हो जाएगी बेटा हमारे पास, यहां से देखेंगे एक K तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हाफ के सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर अंदर ले सकते हैं, ठीक है, बाहर ले सकते हैं, सॉरी हाफ सी वी स्क्वायर इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बचा बेटा K प्लस, यहां क्या बच गया देखो, एक के तो कैंसिल हो गया, वन अपॉन के वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर था, वी स्क्वायर को तो बाहर ले लिया, वन अपॉन के स्क्वायर में एक के कैंसिल हो गया तो अंदर क्या बचा, वन बाई के, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के, ठीक है, ये यू टू आ गया। अब फाइनली द रेशियो, रेशियो निकालें तो रेशियो निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, U1 by U2 या U2 by U1, जो भी आपको कहा गया है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और इसको सॉल्व कर लें। तो हमारे पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी, सी वी स्क्वायर और अब कितनी होगी, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के। तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, सी वी स्क्वायर से सी वी स्क्वायर कैंसिल, टू के ऊपर चला जाएगा तो U1 upon U2 will be equal to 2K upon K square plus 1। इसी तरीके का कुछ आंसर आएगा या फिर जैसा भी इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं, देखिए आंसर कुछ इसी तरीके का आएगा, 2K upon K square plus 1 is the correct answer। तो इस तरीके से बेटा इनका रेशियो हम निकाल सकते हैं, क्लियर।
तो ये समझने का कंसेप्ट है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसका कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ता है, चार्ज पर क्या फर्क पड़ता है और पोटेंशियल पर क्या चेंजेस होते हैं। ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए, बार बार इन कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहें। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक और छोटा सा कंसेप्ट ले लें इसी के साथ ही, देखिए कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन किस तरीके से। तो हम कहें कि मान लीजिए कॉम्बिनेशन इस तरीके का आ गया लाइक दिस, ये देखिए ये कैपेसिटर है, इसके कुछ पार्ट्स में हमने क्या किया, हाफ पार्ट में K1 वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया और दूसरे हाफ पार्ट में क्या किया, K2 वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया, K1 और K2 वैल्यूज के डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिए। अब आपसे कहा जाए कि इनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालिए तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो C होगा ये सीरीज में जुड़े हुए, ये देखिए इनको अलग तरीके से, टोटल इसका डिस्टेंस कितना है, पहले जो कैपेसिटेंस है उसका निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस है इसका डी है ना, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज करो ए, तो मैं सी नॉट दे देता हूं। सी नॉट कितना हो जाएगा, जब इनिशियली कोई डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर फील्ड नहीं था उस समय इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हमारा हो गया इनिशियल कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस टू द कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद में हमने हाफ हाफ पार्ट में K1 K2 से इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो हम इसको थोड़ा अलग तरीके से एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट में मैं छोटा सा बना देता हूं, इस तरीके से बनाएंगे ओके, जिसमें इसके अंदर K1 है और इसके अंदर K2 डाइलेक्ट्रिक है। ये प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका भी ए है और इसका भी ए है ओके, दोनों का ए है, लेंथ सेम है ना, तो लेकिन जो डिस्टेंस है वो d/2 हो गई, ये d/2 एंड दिस इज ऑल्सो d/2, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी C1 विल बी इक्वल टू एप्साइलन नॉट ए बाई डी इज वॉट, दैट इज d/2 ओके, एंड ऑल्सो द K1 इंट्रोड्यूस करवाए तो K1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके, ऑल्सो C2 लिख ले तो C2 भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/2, सिंपल। ठीक है, और ये इनिशियल कैपेसिटेंस से किस तरीके से रिलेट करते हैं वो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यदि आप डायरेक्ट करना चाहें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जब भी सीरीज में दो कैपेसिटर जोड़े जाते हैं तो क्या होगा बेटा, इनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा, 1/C1 + 1/C2। तो आई कैन राइट दीज फॉर्मूलाज और आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ सी नॉट ऑल्सो। ठीक है, सी नॉट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं लेकिन मैं अभी लिख देता हूं। तो देखिए किस तरीके से होगा, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये हो जाएगा d/2 तो ऊपर आ जाएगा, उल्टा होगा ना बेटा, तो ये हो जाएगा, या फिर इनको टर्म्स में लिख लेते हैं वो ज्यादा बेटर रहेगा, इसको यूं कर लेते हैं। देखिए इनकी टर्म्स में लिखे ना, तो मैं लिख सकता हूं C1 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो दैट इज 2K1 इंटू सी नॉट, हो गया कि नहीं हुआ, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये तो हो गया मेरे पास सी नॉट, और ये क्या हो गया K/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2K1 C0, और इसी तरीके से 2K2 C0, क्लियर। अब हम देखेंगे कि 1/C विल बी इक्वल टू 1/2K1 C0 + 1/2K2 C0। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लें एलसीएम लेके, जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहें, तो 1/2 C0 तो कॉमन आ गया बेटा, 1/K1 + 1/K2 और 1/C, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेटा इजीली। इजीली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/C विल बी इक्वल टू 1/2 C0, और एलसीएम लेंगे फटाफट से,
k1 k2 k1 plus k2, और इसको उल्टा कर देंगे तो c विल बी इक्वल टू 2 k1 k2 upon k1 plus k2 into c0। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, इजी है ना। तो हम ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से जब भी जोड़ा जाता है तो इनके कॉम्बिनेशन क्या हो जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। क्लियर, मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा। इसी पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन और लिया जा सकता है, इसको थोड़ा अमेंडमेंट्स कर लें और देखिए दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं हम ऐसा ही। देखिए किस तरीके से, जब हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से इसको जोड़ देंगे, ऐसे ही है इस तरीके से। अब मैं क्या कहूं कि अब की बार मैंने जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके बीच में हाफ इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया है, इधर तो K1 और इस साइड में मैं कर देता हूं दैट इज K2। ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया A है, डिस्टेंस d है, इनिशियली मैं कहूं तो मैं C0 कह देता हूं दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब जब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो मैं इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दूंगा, तो पैरेलल में जोड़ने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से, क्योंकि देखिए ये अपर पार्ट डिफरेंट है और ये लोअर पार्ट डिफरेंट है। यदि मैं ये कनेक्शन कहूँ तो एक ही प्लेट है तो इन दोनों को यों जोड़ा जा सकता है, आई कैन मेक इट लाइक दिस, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। यहां पर कुछ चीजें क्लियर करने की है, डी इज द सेम, ठीक है, डी इज द सेम बट द ए इज ए बाई टू, डी सेम रहेगा, एरिया जो है वो आधा हो जाएगा। देखिए एरिया जो था क्रॉस सेक्शनल एरिया वो हाफ हो गया, तो ये एरिया जो है इसका आधा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए C1 निकालेंगे, C1 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई टू इंटू डी, ए बाई टू हो गया ना, एरिया को क्या लिख दिया मैंने, ए बाई टू। इसी तरीके से C2 लिखा और K1 से मल्टीप्लाई कर ले, C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई टू इंटू डी। क्लियर, तो रिजल्टेंट C जब पैरेलल में होते हैं तो होता है बेटा C1 plus C2, इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी तो कॉमन ले लिया मैंने, और अंदर क्या बचेगा, 2 भी कॉमन आ सकता है, K1 plus K2, दिस विल बी द रिजल्टेंट, और इसको एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं दैट इज C0। तो C विल बी इक्वल टू K1 plus K2 by 2 into C0, लाइक दिस, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, ये भी बहुत इजी है, आप इजीली इनको पैरेलली और सीरीज में जोड़कर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, एक टाइप और है हमारे पास, इसी टाइप को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, हाफ कर लिया मैंने और इसको भी चेंज कर लिया, यहाँ K1 फिल कर दिया, यहाँ K2 फिल कर दिया, यहाँ K3 फिल कर दिया, ठीक है, इस तरीके से फिल कर दिया। तो बेटा क्या करना है, हमें सिंपली इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखें कि यहाँ पर वैल्यूज किस तरीके से चेंज हो रही है। देखिए मैं कह देता हूँ ऊपर वाला और नीचे वाले दो पार्ट, ये दोनों सीरीज में है लेकिन ये हाफ है, तो मैं यहाँ कह देता हूँ ये तो डी बाई टू हो गया, ये डी था टोटल, ये डी बाई टू हो गया, एरिया इनका ए बाई टू है, ये भी डी बाई टू है, एरिया ए बाई टू है, ये डी सेम लेकिन एरिया ए बाई टू है। ठीक है, इस तरीके से इनको सॉल्व करना। अब इनको आप इजीली इनके कैपेसिटेंस C1, C2, C3 निकाल लें, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, और इन दोनों का निकाल लें फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसको सॉल्व कर लें और C0 की टर्म्स में इसका आंसर लिया जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। इसके बाद आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, कल के लिए हम कुछ पोटेंशियल्स के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो 5 ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेटली इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं और आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें, कोई प्रॉब्लम हो जरूर मुझे लिखें। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू।